नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटॉस्क के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं इंडियन ऑटोमेकर महिंद्रा से, जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा इस कंपनी का प्लांट प्रपोजल अप्रूव कर दिया गया है और अब इसके चलते ये महाराष्ट्र स्टेट में उनका एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर सकते हैं। सो बेसिकली दोस्तों, आज से कुछ हफ्ते पहले मैंने आपको बता दिया था कि महिंद्रा के द्वारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास एक प्रपोजल भेजा गया है कि वो महाराष्ट्र स्टेट में उनका एक न्यू कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना चाहते हैं और अब इसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल भी दे दी गई है। साथ साथ इसको लेकर एमओयू भी साइन हो गया है, जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में साइन किया गया है। ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एक बड़े लेवल का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा, जो कि स्पेसिफिकली ईवी कार्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए डेडिकेटेड होगा। 10,000 करोड़ रुपीज़ की बड़ी इन्वेस्टमेंट महिंद्रा के द्वारा इसके ऊपर की जानी है और पुणे, जहाँ पर उनके पास ऑलरेडी एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहीं पर यह मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनकर तैयार होगा। और क्योंकि महिंद्रा को महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट इंडस्ट्रियल प्रमोशन स्कीम के अंतर्गत अप्रूवल दी गई है, तो इसी के चलते इनको कई तरह के टैक्स एंड लैंड बेनिफिट्स मिलेंगे। अगले 7-8 सालों के अंदर बड़े स्केल पर कई सारे फिजिक्स में ये बनकर तैयार होगा। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन स्टील मेकर आर्सेलर मित्तल को लेकर, जहां पर दोस्तों ओडिशा गवर्नमेंट की हाई लेवल क्लीयरेंस अथॉरिटी के द्वारा आर्सेलर मित्तल का एक मेगा स्टील प्लान अप्रूव कर दिया गया है और अब इसके थ्रू ओडिशा के स्टील सेक्टर में 38,000 करोड़ रुपीज की और इन्वेस्टमेंट आती हुई देखने को मिलेगी। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये कोई न्यू प्लांट है, इससे पहले भी 2006 में आर्सेलर मित्तल ने ओडिशा गवर्नमेंट के साथ में एमओयू साइन किया था, जिसके अंतर्गत ओडिशा के क्योंझार डिस्ट्रिक्ट में एक मेगा 12 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी वाला स्टील प्लांट बनकर तैयार होना था और 50,000 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर की जानी थी, लेकिन लोकल प्रोटेस्ट के चलते वो प्लांट बन ही नहीं पाया। लास्ट ईयर दोबारा से उनके प्लांट्स को रिवाइव करते हुए उनके द्वारा ओडिशा गवर्नमेंट के पास एक प्रपोजल भेजा गया था, जिसको अप्रूवल भी दी जा चुकी है। 38,000 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर होगी और इस बार ये प्लांट जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में बनकर तैयार होगा, जिसकी कैपेसिटी 7 मिलियन टन पर एनम की होगी, जो दूसरे प्लांट से हालांकि ऑलमोस्ट आधी होगी। एक बार जैसे ही ये बनकर तैयार हो जाता है तो ओडिशा में डेफिनेटली जो स्टील प्रोडक्शन है वो तो इंक्रीज होगी होगी, साथ साथ 11,000 से ज्यादा न्यू जॉब भी जनरेट हो पाएंगी। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा एक न्यू ऑडिटोरियम के लिए लैंड को फाइनलाइज कर दिया गया है और अब बहुत ही जल्द इसके ऊपर काम स्टार्ट होगा। दोस्तों ये ऑडिटोरियम इंदौर का बिगेस्ट ऑडिटोरियम होगा, जहां पर हाई प्रोफाइल इवेंट्स एंड प्रोग्राम्स काफी इजिली ऑर्गेनाइज करवाया जा सकेगा। स्कीम नंबर 172 के अंतर्गत इंदौर देपालपुर रोड पर सुपर कॉरिडोर के पास 10 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को आइडेंटिफाई किया गया या फिर फाइनलाइज किया गया है और कहा जा रहा है कि ये लोकेशन इस ऑडिटोरियम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये एयरपोर्ट के भी बहुत पास में लोकेटेड है, साथ साथ सिटी एरिया के भी काफी पास में ही लोकेटेड है। रोड कनेक्टिविटी तो यहाँ पर पहले से बेहतर है ही है। 10,000 पर्सन की सिटिंग कैपेसिटी इस ऑडिटोरियम की होगी। जैसे ही मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा वर्क ऑर्डर दिए जाते हैं, उसके तुरंत बाद काम स्टार्ट हो जाएगा। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन ईवी स्टार्टअप सिंपल वन से रिलेटेड, जिन्होंने हमारे देश में उनका पहला ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर दिया है और ये तमिलनाडु के कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट में बनकर तैयार हुआ है। दोस्तों ये प्लांट ओवरऑल 2 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में बनकर तैयार हुआ है, जिसकी पर ईयर कैपेसिटी 1 मिलियन यूनिट्स की होगी। फैक्ट्री का नाम सिंपल विजन 1.0 रखा गया है, जो हमारे देश की फर्स्ट पेटेंटेड इन हाउस मोटर मैन्युफैक्चरिंग लाइन भी है। साथ साथ यहाँ पर एक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग लाइन, एक जनरल असेंबली लाइन, सेल्फ स्टोरेज, कस्टमर एक्सेप्टेंस लाइंस, इस तरह की सभी फैसिलिटीज बनाकर तैयार की गई हैं। 100 करोड़ रुपीज स्टार्टअप के द्वारा इस फैसिलिटी को सेटअप करने के ऊपर स्पेंड किए गए हैं, जिसके थ्रू वो हमारे देश में उनकी ईवी सेल्स की जर्नी स्टार्ट कर पाएंगे और अब आपको हमारे देश के टू व्हीलर ईवी मार्केट में एक और प्लेयर आता हुआ देखने को मिलेगा। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है देश की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों नेदरलैंड बेस्ड NXP सेमीकंडक्टर के द्वारा हमारे देश के सेमीकंडक्टर मार्केट में एंट्री कर दी गई है और एंट्री करते हुए इन्होंने बेंगलुरु में एक और R&D लैब को सेटअप कर दिया है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि नीदरलैंड ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में वन ऑफ द टॉप कंट्रीज की लिस्ट में आता है, क्योंकि जैसा कि आप जानती हैं कि ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री सिर्फ कुछ गिनी चुनी कंट्रीज के द्वारा डोमिनेटेड है और उसमें नीदरलैंड का भी नाम शामिल है। और वहीं जो नीदरलैंड बेस्ड NXP सेमीकंडक्टर है, ये कोई छोटी कंपनी नहीं है, ये एक मल्टीनेशनल और $multi-billion की कंपनी है, जो सेमीकंडक्टर डिजाइन भी करती है, साथ साथ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर भी करती है। बात करें इनकी R&D लैब के बारे में, तो ये बेंगलुरु के मान्यता टेक पार्क में बनकर तैयार हुई है, जहां पर इनके द्वारा उनकी डिजाइनिंग, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, इन सब चीज़ों के ऊपर काम किया जाएगा और ऑटोमेटिकली ये हमारे देश के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को काफी बड़ा पुश देगा। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को लेकर, जहां पर दोस्तों चेन्नई में ट्रैफिक के डीकंजेशन के लिए चेन्नई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा 5 फ्लाईओवर्स का कंस्ट्रक्शन किया जाना है और ये फ्लाईओवर्स वो तमिलनाडु के स्टेट हाईवे डिपार्टमेंट के लिए कंस्ट्रक्ट करेंगे।
सो बेसिकली से जो फ्लाईओवर जिस एरिया में बनकर तैयार होने हैं वहीं पर चेन्नई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा चेन्नई मेट्रो के एक्सपांशन के ऊपर भी काम किया जा रहा है, जहां पर मेट्रो वायडक्ट बनकर तैयार होने हैं। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जहां पर वायडक्ट और फ्लाईओवर बनकर तैयार होने होते हैं वहां पर कन्वर्सेशन के चलते काफी बड़ा गैप आ जाता है और इनके कंस्ट्रक्शन को लेकर प्रॉब्लम भी सामने आती है। इन दोनों के कंस्ट्रक्शन को लेकर कोई प्रॉब्लम सामने ना आए तो इसी के चलते चेन्नई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ही दोनों चीजों का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। कहा ऐसा जा रहा है कि दोस्तों ये डबल डेकर टाइप के फ्लाईओवर्स होंगे, जहां पर सबसे ऊपर मेट्रो दौड़ेगी जबकि उसके नीचे व्हीकल्स दौड़ेंगे। IMIOT हॉस्पिटल, सोलिंगनालूर, थोरईपक्कम, मंजुमपक्कम, कट्टुपक्कम, इन सब एरियाज में फ्लाईओवर्स बनकर तैयार होंगे। पहले वायडक्ट्स बनेंगे और उसके बाद फ्लाईओवर्स के ऊपर काम स्टार्ट होगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है एक न्यू एक्विजिशन से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों इंडियन मल्टीनेशनल फार्मा जायंट सन फार्मा के द्वारा US बेस्ड कॉन्सर्ट फार्मास्यूटिकल को एक्वायर कर लिया गया है और अब इसके चलते वो डर्मेटोलॉजिकल डिसीजेस में उनकी सर्विसेज को और भी बेहतर बना पाएंगे। सो बेसिकली दोस्तों US बेस्ड कॉन्सर्ट फार्मास्यूटिकल एक कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, काफी बड़ी कंपनी है। और क्योंकि सन फार्मा भी वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर है तो इनके पास इतनी पावर तो है कि ये ऐसी कंपनीज को काफी इजीली एक्वायर कर सकते हैं। $576 मिलियन की कंसीडरेशन इन्होंने इसको पे की है, जो की पूरी एक ऑल कैश डील है। इस एक्विजिशन के थ्रू अब इनकी नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स में जो रीच है वो और भी बेहतर होती हुई देखने को मिलेगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों वियतनाम के साथ बायलेटरल ट्रेड को बड़े लेवल पर ले जाने के लिए भारत के द्वारा वियतनाम के साथ मिलकर ट्रेड पैक्ट को लेकर डिस्कशन स्टार्ट की जानी है और अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर इसको लेकर वर्क इनिशिएट कर दिया जाना है। दोस्तों ट्रेडिशनली इंडिया और वियतनाम के बीच बायलेटरल ट्रेड इतना ज्यादा नहीं होता था, पर रिसेंट पिछले 2 सालों के अंदर अंदर दोनों देशों का ट्रेड काफी तेज से इंक्रीज हुआ है, क्योंकि 2020 में इंडिया और वियतनाम दोनों का बायलेटरल ट्रेड जस्ट $200 मिलियन के आसपास था, जबकि 2021-22 में इंक्रीज होकर $14.14 बिलियन पर पहुंच गया है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा इंक्रीज देखने को मिला है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि इंडिया और वियतनाम के द्वारा मिलकर टारगेट सेट किया गया था कि वो 1-2 साल के अंदर अंदर दोनों देशों का बायलेटरल ट्रेड $15 बिलियन के आसपास कर देंगे, जो अब कंप्लीट भी हो गया है। $14.14 बिलियन में से भारतीय एक्सपोर्ट्स वियतनाम के लिए $6.7 बिलियन रहे हैं, जबकि वियतनाम के भारत को एक्सपोर्ट्स $7.4 बिलियन रहे हैं। हालांकि हमारे एक्सपोर्ट्स कम तो है लेकिन गैप बहुत ही थोड़ा कम है, तो इसको आप ज़्यादा कंसीडर नहीं कर सकते हैं। और अब इसी ट्रेड को बड़े लेवल पर जाने के लिए इंडिया और वियतनाम के बीच ट्रेड पैक्ट को लेकर डिस्कशन स्टार्ट होंगी। अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप का फॉर्मेशन किया जाएगा जो इस ट्रेड पैक्ट को लेकर फिजिबिलिटी स्टडी करेगा। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों यूपी गवर्नमेंट ने गुजरात स्टेट में भी 22 MOU साइन कर लिए हैं और इसके थ्रू यूपी स्टेट में 40,790 करोड़ की और इन्वेस्टमेंट आती हुई देखने को मिलेगी। दोस्तों हर 1-2 दिन बाद यूपी के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर कोई ना कोई अपडेट आती रहती है। और अभी मैंने आपको कल ही बताया था कि तेलंगाना में स्पेसिफिकली हैदराबाद में यूपी गवर्नमेंट ने 25,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल साइन किए हैं और अब गुजरात में रोड शोज के दौरान 40,000 करोड़ के प्रपोजल साइन कर लिए हैं। सभी के सभी इन्वेस्टमेंट्स को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान फाइनलाइज किया जाना है। अभी प्रपोजल साइन किए गए हैं 40,000 करोड़ में से 25,000 करोड़ की सिंगल इन्वेस्टमेंट तो टोरेंट ग्रुप के द्वारा की जाएगी, जो कि एक अहमदाबाद बेस्ड कॉन्ग्लोमरेट है। यूपी के पावर, गैस, केबल, फार्मास्यूटिकल, इन सब एरियाज में इनके द्वारा बड़ी इन्वेस्टमेंट की जानी है। और एक बार जब इन्वेस्टमेंट यूपी में हो जाती है तो 50,000 से ज़्यादा इम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट हो पाएंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।